हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। आज से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, वो है फील्ड विजिट के बारे में। यानी आज से हम लोग फील्ड में विजिट करेंगे, कोल्ड के अलग अलग ब्लॉक्स में विजिट करेंगे, अलग अलग जगह विजिट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि आखिर वो वर्क कैसे करता है। तो आज के सेगमेंट में हम लोग बात करेंगे, आज के सेगमेंट में हम लोग देखेंगे कि आखिर कोयला का ड्रिलिंग कैसे होता है, उसको कैसे ब्लास्ट किया जाता है, आखिर लोडिंग कैसे होता है, ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो इन पूरे प्रोसेस को आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए मेरे साथ आप लोग भी चलते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप होता है ड्रिलिंग। ड्रिलिंग जो है वो HMM का कैटेगरी में आता है और इसको ड्रिल मशीन ही, मशीन वाला ऑपरेटर ही ऑपरेट करता है। ये नॉर्मली इंडिया में एयर कंप्रेस टाइप का ड्रिल कटिंग मशीन आता है, जिसमें इंडिया में 150, 200, 250 और 310 mm डायमीटर होल वाला ड्रिल मशीन आता है। जो हम लोग फोटो में देख रहे हैं वो 150 mm डाया वाला ड्रिल मशीन है। इसको बिजली से चलाया जाता है और ये क्रॉलर माउंटेड यानी चेन में रेंगने वाला होता है। इसमें अलग अलग रॉड जोड़ के किया जाता है। कभी कभी हम लोग जब 40 मीटर का करना होता है तो इसमें हम लोग डबल ट्रिपल चार रॉड लगा के हम लोग यूज़ करते हैं, बट अभी फ़िलहाल हम लोग सिंगल रॉड से ड्रिलिंग कर रहे हैं जो फोटो में दिख रहा है। ड्रिल का फीड मैकेनिज्म हाइड्रोलिक पंप से चलता है और ये जो ड्रिल का रॉड होता है 10 से 12 मीटर लंबा होता है। ये आप लोग देख रहे हैं, ड्रिल किया हुआ होल आपके सामने दिख रहा है जो कि 150 mm के आसपास। ड्रिल होने के बाद ड्रिल मशीन जो होता है वो अपना मोस्ट को समेट के फेस से चला जाता है ताकि आगे की प्रोसेस में दिक्कत ना हो। देन मेजरिंग टेप से हम लोग डेप्थ नाप लेते हैं कि कितना मीटर डेप्थ हुआ है। यहाँ 20 मीटर वाला मेजरिंग टेप का यूज़ किया गया है। अभी हम लोग फोटो में देख रहे हैं कि एक वायर जो है उससे बूस्टर कनेक्टेड है। ये बूस्टर है और ये वायर नहीं, इलेक्ट्रिक डेटोनेटर का वायर है। इलेक्ट्रिक डेटोनेटर उसमें फिट किया गया है बूस्टर में और इसे ही फिट करके इसमें फंसा के गांठ लगा के उसके साथ उसको होल में डाला जाता है। और होल में डालने के बाद नॉर्मली उसको कोई वेट से हम लोग बांध देते हैं ताकि वो अंदर गिरे नहीं। और उसमें एक कैप भी लगा होता है रेड कलर का, जिसमें हम लोग को कनेक्शन करना होता है बाद में। देन बारूद गाड़ी की बारी आती है। यहाँ पे साइड मिक्स स्लरी एक्सप्लोसिव का यूज़ किया। साइड मिक्स स्लरी में एक ऑक्सीडाइजर होता है, एक कंबस्टेबल मटेरियल होता है, एक सेंसिटाइजर होता है और एक क्रॉस लिंक करने वाला एजेंट के रूप में वो काम करता है। ये सेपरेटली देखा जाए तो ये नॉन एक्सप्लोसिव होता है नेचर में और इसका एक कंपार्टमेंट होता है ट्रक में ही, पंप ट्रक में ही एक कंपार्टमेंट होता है जिसमें इसको मिक्स किया जाता है। मिक्स करने के बाद होल में डाला जाता है। जब होल में डाला जाता है तो ये लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन होल में डालने के बाद कुछ ही देर में ये जेल फॉर्म में बन जाता है। जब तक ये लिक्विड फॉर्म में रहता है तब तक नॉन एक्सप्लोसिव नेचर का होता है और डाल देने के बाद ये एक्सप्लोसिव नेचर का हो जाता है। ये एक नॉन कैप सेंसिटिव टाइप का बारूद होता है, इसको हम लोग साइड मिक्स्ड इमल्सन भी बोलते हैं। इसको डालने से पहले हम लोग एक जग में इसको रखते हैं और रख के इसको कहीं साइड में रख देते हैं। नॉर्मली 10 होल में हम लोग इसको लेते हैं। इससे हमको ये पता चलता है कि जग में जब ये ऊपर उड़ जाता है तो हम लोग समझ जाते हैं कि स्टेमिंग के लिए रेडी है। इसमें एक ऑपरेटर शॉट फायर के आदेश को देखते हुए, इशारा को समझते हुए यहाँ पे इनपुट करता है डाटा ताकि जितना एक्सप्लोसिव की जरूरत हो उतना एक्सप्लोसिव फेस में डाला जाए। उसके बाद बात आती है प्रोग्रामिंग की। प्रोग्रामिंग करने के लिए इसमें डिले सेट किया जाता है, एक प्रोग्रामिंग मशीन होता है। यहाँ 17 मिलीसेकंड का डिले डाला जा रहा है, इसको माइक्रो लॉगर भी कहते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है। इसमें एक ऑप्टिकल फाइबर वाला केबल लगता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक प्रकार का होता है और उसका एक पार्ट में दो वो तार निकला हुआ रहता है। उस तार को हम लोग जो डिटोनेटर का कैप था उसको खोल के उसमें हम लोग सटाते हैं और लगाने के बाद हम लोग कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन करने के लिए हम लोग जो डिटोनेटर का कैप है उसको खोल के उसमें ब्लास्टिंग रिले डालते हैं। रिले लगाने के बाद हम लोग रिले को बिछा देते हैं और इसमें हम लोग सीरीज में कनेक्शन कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने 2 सेकंड का गैप रखने के लिए दो रो के बीच में एक डेटोनेटर लगाया था, लेकिन बहुत जगह डेटोनेटिंग रिले का भी प्रयोग किया जाता है। 25, 50, 75, 100, 150 मिलीसेकंड का वो आता है। लास्ट में लोग करते हैं स्टेमिंग। स्टेमिंग करने के बाद हम लोग फाइनली वो तार को कनेक्ट करते हैं जिसको कि ब्लास्टिंग तार बोलते हैं। उसको कनेक्ट करने के बाद एक्सप्लोरर से उसको कनेक्ट करके सबसे पहले हम लोग उसको चेक करते हैं कि सब कुछ सही है कि नहीं। एक्सप्लोरर में कनेक्ट करने के बाद हम लोग इसमें एक स्विच होता है, उस स्विच को हम लोग ऑन करते हैं पावर बटन से। ऑन करने के बाद हम लोग एक राइट साइड में स्विच होता है ब्लैक कलर का, उसको हम लोग ऑन करने के बाद देखते हैं कि सारा होल ओके है या नहीं है। उसमें लगातार कंटिन्यूसली सारा होल बताता है और टोटल मिली सेकेंड कितना होता है ब्लास्टिंग, टोटल कितना मिली सेकेंड में ब्लास्टिंग होगा वो भी उसमें लोग देख सकते हैं। अगर कोई डिफॉल्ट आता है तो हम लोग को पता चल जाता है। जैसे इसमें B23 नंबर का होल में डिफॉल्ट आ रहा था, हम लोग जाके उसको चेक करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है।
उस डिफॉल्ट को देखने के बाद, चेक करने के बाद जब सब कुछ सही हो जाएगा तो फिर से आके हम लोग वापस से एक बार चेक करेंगे, तो इसमें सब कुछ ओके दिखाएगा। ओके दिखाने के बाद ही हम लोग ब्लास्टिक लेंगे। चार्ज करने से पहले सबको सेफ डिस्टेंस पर ले जाया जाएगा, यानी कि 500 मीटर जो रेगुलेशन में बताया गया था उतना दूर कम से कम ले जाया जाएगा, और उसके बाद ही हम लोग चार्जिंग लेंगे। फाइनल ब्लास्टिंग हो जाने के बाद उसके जितने भी मटेरियल है, मटेरियल को हम लोग हटाएंगे। उसके लिए हम लोग सॉवेल कन्वेयर का यूज़ कर सकते हैं, सॉवेल डंपर कम्बिनेशन का यूज़ कर सकते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट होता है और सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। स्क्रेपर, डोजर, रीपर, इन सब मशीनरी का यूज़ करते हुए हम लोग फेस को साफ़ करेंगे, ताकि फिर से उसमें ड्रिलिंग और आगे का प्रोसेस किया जा सके। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको अपने सर्कल में सर्कुलेट करें, और अगर ऐसे ही वीडियो आप चाहते हैं फील्ड विजिट पे तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और किसी खास और स्पेसिफिक टॉपिक पे अगर वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं। अगर आप कोल इंडिया रिलेटेड न्यूज़, पावर सेक्टर और मेटल माइनिंग से रिलेटेड हर न्यूज़ अपडेट से, वैकेंसी से अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।